अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बिल्कुल फ्री है। आज का सबसे पहला शॉर्ट आउट है अब्दुल मुनाफ की तरफ से, सो उन्होंने लिखा है योर वीडियोस आर टू गुड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच अब्दुल मुनाफ भाई, तो इस तरह मुझे अप्रिशिएट कीजिए। और आज का सेकंड शॉर्ट आउट है फुट हराना सा इकराना, सो उन्होंने लिखा है वन बिजी फैमिली बट यू सीम टू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ग्रीटिंग टू ऑल फ्रॉम न्यूजीलैंड। थैंक यू सो मच, इसी तरह मुझे अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे मेरा सैटरडे व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है सैटरडे, तो अभी सुबह के टाइम हो चुका है, करीब 7 बजे हो चुके हैं। सो अभी टाइम हो चुका है, बेटे स्कूल जा रहे हैं, आज उनका राइम्स डे सेलिब्रेशन था, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा बहुत इनके लिए स्नैक्स तैयार कर लिया है। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे न्यूट्रिला का स्प्रेड किया है ब्रेड पर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केक और बिस्किट। सो इनका ये टिफ़िन यानी स्नैक्स तैयार हो चुका है। सो आज इनका सिंपल सा ऑफ डे रूटीन है उनका स्कूल में, और उनका जो प्रोग्राम है। तो चलिए अब हम चलते हैं। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है इडली विथ चिकन ग्रेवी, सो आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है हमारा। तो ये तैयार हो चुका है, इसे हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही हम स्कूल जाएंगे बेटे के स्कूल, तो हमें इनवाइट किया गया करीब 10 बजे, और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इनके स्कूल जाएंगे। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं स्कूल। तो आज इनका राइम्स डे सेलिब्रेशन था और पहला राइम्स इन्हीं का है, तो इसे एंजॉय कीजिए। और ये बेटे की डांस है, सिंपल सी म्यूजिक डांस है, सो इसे भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, तो इसे भी एंजॉय कीजिए।
प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, सो अब हम घर जा रहे हैं और उससे पहले हम थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। हमने यहाँ पे एंजॉय किया जूस यानी मिल्क शेक। सो मैंने यहाँ पे बटर फ्रूट मिल्क शेक ऑर्डर किया था और हस्बैंड ने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर किया था। सो दोनों मज़े के थे। सो इसके बाद ये रहे बेटे और हस्बैंड, और इसके बाद हम जाएंगे घर। तो चलिए अब हम घर जा रहे हैं। सो उसके बाद लंच टाइम हो चुका है, करीब 3 बजे हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़िश करी यानी फ़िश का सालन बना लिया है। सो इसकी रेसिपी तो मैंने नहीं बनाया। सो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के लिए फ़िश को मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ है। सो आज मैं मैरिनेट किया हुआ ग्रीन मसाला फ़िश बनाऊंगी, और उसके साथ हमारा राइस भी अभी कुक हो चुका है, तो मेरा लंच तैयार हो चुका है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।